उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आऊँ 30 फिट भाई 60 फिट का प्रोडक्ट दोस्तों। 30 फिट इसका फ्रंट है और 60 फिट इसकी गहराई है। तो दोस्तों इसमें हमने ये 1800 स्क्वायर फिट का एरिया है दोस्तों, 200 गज का प्लॉट है। और दोस्तों इसमें हमने 3 फ्लोर डिजाइन किए हैं। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर प्लान है, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर प्लान है और ये हमारा सेकेंड फ्लोर प्लान है। और दोस्तों ये हमारा एलिवेशन है और ये इसकी रिक्वायरमेंट है। तो मैं आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट दिखाने वाला हूँ, बनी रहिएगा वीडियो में अंत तक। दोस्तों ये हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी, इसमें हमने 4 बेडरूम, 1 मास्टर बेडरूम दोस्तों और 1 ड्राइंग रूम और 1 बड़ी लॉबी दिया दोस्तों हमने, और इसमें किचन भी दिया है हमने, और दोस्तों 4 टॉयलेट दिए हैं और पार्किंग दी है। कार खड़ी करने के लिए हमने इसमें पार्किंग भी दी है दोस्तों। और दोस्तों ये इसका एलिवेशन रहेगा, ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों ये हमारा फ्रंट एलिवेशन रहेगा, जो काफ़ी अच्छे से हमने इसको डिजाइन किया है और काफ़ी अच्छे से भी प्लान को डिजाइन किया है। ये आप देख रहे होंगे ये इस तरीके से हमारा नीचे कार पार्किंग के लिए है, ऐसे ही हमने प्लान में देखा है। प्लान में भी मैं आपको बताऊँगा ये साइड में विंडो लगी हुई है, ये भी विंडो, ये वेंटिलेशन के लिए दोस्तों। ये टॉयलेट बना हुआ है ये वाला, और ये बेडरूम है दोस्तों, और ये हमारा नीचे साइड से वो रहेगी ओपनिंग और एक आगे ओपनिंग रहेगी। और दोस्तों ये फ्रंट रहेगा आगे का, ये आप देख रहे होंगे ये ऊपर बेडरूम रहेगा ऊपर, और ये ऊपर का बेडरूम है दोस्तों। आप देख रहे हैं इस तरीके से हमने इसको फ्रंट को डिजाइन किया दोस्तों। और अब हम आपको पीछे दिखाते हैं प्लान दोस्तों, ये अब हम आपको प्लान दिखाने वाले हैं। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर प्लान है दोस्तों, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर प्लान रहेगा। इसमें हमारा ये मेन गेट रहेगा 9 फिट का और 1 4 फिट का। इसमें हमने 2 गेट दे रखे हैं दोस्तों, सामने ही ये रोड रहेगा। और दोस्तों जैसे ही हम इसमें एंटर करेंगे 9 फिट के गेट में, तो ये हमारी पार्किंग एरिया आएगा, जो कि 9 फिट बाई 21 फिट है इसका साइज है पार्किंग के लिए, जो कि कार खड़ी आराम से हो सकती है। और दोस्तों एक एंट्री हमारी ये रहेगी घर के लिए और एक एंट्री ये रहेगी साइड से। और दोस्तों पीछे भी हमने पीछे पैसेज दे रखा है, एक एंट्री ये रहेगी हमारी किचन, इसमें हमने 3 एंट्री दे रखी है दोस्तों। और इसमें हमने लिफ्ट भी दिया है, हमने रिक्वायरमेंट्स में लिफ्ट नहीं दी है, हमने इसमें लिफ्ट भी दिया। तो दोस्तों चलते हैं, हम यहाँ से चलते हैं, तो ये हमारा यहाँ से चलेंगे, तो यहाँ से हम चलते हैं, तो ये हमारा ड्राइंग रूम में एंटर करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा 12 फिट बाई 14 फिट का ड्राइंग रूम रहेगा, जिसमें अभी हमारा सोफा पड़ा हुआ 3 सीटर और ये 2 सीटर, और ये सामने टीवी लगा हुआ है आप देख रहे हैं, और ये हमारा ओपन रहेगा दोस्तों। और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा लॉबी है, तो लॉबी की एंट्री हमारी दोस्तों ये साइड से भी हमने दे रखी है, जो कि 4 फिट बाई 8 सामने 4 फिट छोड़ रहा है और पीछे 3.5 फिट का छोड़ रखा है और इधर 5 फिट। और दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए ये हमने स्टेयरकेस दे रखा है, क्योंकि आप देख रहे होंगे ये हमारा स्टेयरकेस है फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए। और दोस्तों लॉबी में ही ये हमारी डाइनिंग टेबल डली हुई है आप देख रहे होंगे। लॉबी का साइज दोस्तों 21 फिट 9 इंच ऐसे है और 20 फिट ऐसे है, क्योंकि काफ़ी बड़ी लॉबी रहेगी। और सामने हमने टीवी डिजाइन कर रखा है, और दोस्तों लॉबी से ही हमारा ये लिफ्ट रहेगा, ये हमारी लिफ्ट रहेगी 5 फिट बाई 5 फिट की, ये हमने लिफ्ट दे रखी है। और दोस्तों आगे चलते हैं, तो ये हमारा कॉमन टॉयलेट रहेगा, जो कि 5 फिट ऐसे और 12 फिट ऐसे है, 5 फिट बाई 12 फिट का ये हमने टॉयलेट दे रखा है, जिसमें हमने शावर दे रखा दोस्तों, ये हमने सीट दे रखी है, ये हमारा यूरिनल रहेगा और ये हमारा वॉशर रहेगा, जो कि हमने काफ़ी बड़ा टॉयलेट डिजाइन किया है, इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं। और दोस्तों जैसे ही हम इसमें चलते हैं जहाँ से हमारी एंट्री हुई, तो ये हमारा किचन रहेगा, जो कि 10 फुट 3 इंच ऐसे रहेगा और 12 फुट ऐसे, जिसमें हमने ये फ्रिज दे रखा है। और दोस्तों ट्रॉली यूनिट वगैरह यहाँ पर आ सकती है, और ये हमारा सिंक रहेगी दोस्तों, और ये हमारा गैस रहेगी। तो इस तरीके से हमने इसमें 2 एंट्री, एक यहाँ से और दोस्तों एक पीछे से, पीछे जाने के लिए भी हमने यहाँ से एंट्री दी है। और इसका वेंटिलेशन दोस्तों इधर रहेगा, पेंट की तरफ इस टॉयलेट का भी वेंटिलेशन इधर रहेगा, और इस लॉबी का वेंटिलेशन दोस्तों इधर साइड से रहेगा, और ड्राइंग रूम का वेंटिलेशन दोस्तों सामने से और इधर से भी रहेगा। तो दोस्तों अब हम यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पर चलते हैं, तो अब हम फर्स्ट फ्लोर पर पहुँचते हैं। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर प्लान रहेगा, जिसमें हमने 2 1 2 3 बेडरूम डिजाइन कर रखे हैं,
तो दोस्तों यहाँ से हम ये फर्स्ट फ्लोर पर आएंगे लिफ्ट से भी और जी से, यहीं से हम डाउन चले जाएंगे ग्राउंड फ्लोर के लिए और यहीं से हम सेकंड फ्लोर के लिए चले जाएंगे ऊपर। तो सबसे पहले हम यहाँ चलते हैं, तो ये सामने हमारा ये टॉयलेट पड़ता है जो कि कॉमन टॉयलेट रहेगा जो कि दो बेडरूम के लिए होगा दोस्तों। इसमें हमने शावर, WC और यूरिनल और वॉश बेसिन दे रखा था दोस्तों। आप देख रहे होंगे 11 फीट बाई ये 5 फीट का टॉयलेट है दोस्तों, जो कि काफ़ी बड़ा टॉयलेट दे रखा हमने। और दोस्तों इसका वेंटिलेशन साइड की तरफ हो रहा है। और दोस्तों यहाँ से हम एंटर करेंगे तो ये एक बेडरूम हमारा ये आएगा जो कि 16 फीट ऐसी है दोस्तों, 12 फीट ऐसी, जिसमें हमने ये सोफा डाल रखा है दोस्तों। और ये बॉर्डर बनी हुई है हमारी और ये साइड स्टडी टेबल बनी हुई है और ये सामने टीवी लगा हुआ है, टीवी बेड रहेगा। और दोस्तों ये हमारा बेडरूम रहेगा, ये बेड डला हुआ है। आप आगे चलते हैं तो दोस्तों ये वाला बेडरूम वाला इस टॉयलेट को यूज करेगा आगे चलते हैं। तो एक बेडरूम ये आता है दोस्तों, इसमें भी ये हमारा 11 फीट ऐसे रहेगा और 14 फीट 3 इंच ऐसे रहेगा, जिसमें हमने ये वॉटर दे रखी है, ये सामने बेड डाल रखा है दोस्तों और ये सामने टीवी यूज लगा रखा है। ये वाला बेडरूम वाला भी ये टॉयलेट यूज करेगा दोस्तों। इसको इस बेडरूम का वेंटिलेशन हमने इधर दे रखा है और इस बेडरूम का वेंटिलेशन हमने इधर ओपन की तरह। और दोस्तों आगे चलते हैं तो ये हमारा मास्टर बेडरूम आता है, जिसमें हमने बेडरूम के साथ ही टॉयलेट दे रखा है, अटैच दे रखा है। दोस्तों जैसे ही हम मास्टर बेडरूम में एंटर करते हैं यहाँ से, तो ये हमारा बॉर्डर आती है दोस्तों और साइड में ये स्टडी टेबल आती है और ये हमारा बेड डला हुआ है और ये दो विंडो लगी हुई है छोटी छोटी, आप एलिवेशन में देख सकते हैं दोस्तों। और सामने से बड़ी वो लगी हुई है विंडो और डोर विंडो। तो दोस्तों ये हमारा टीवी यूनिट डला हुआ है, इसमें ये हमारी चेयर भी डली हुई है दोस्तों। इसमें ये हमारा टॉयलेट रहेगा बेडरूम के साथ यहाँ से, जो कि 5 फीट ऐसे और 8 फीट ऐसे, 5 फीट बाई 8 फीट का हमने ये टॉयलेट दे रखा है, जिसमें हमने ये वॉश बेसिन और ये WC लगा रखी है और ये शावर है। और इसका वेंटिलेशन बाहर की तरफ हो रहा है, ये 3 फीट वाइड की बालकनी छोड़ रखी है हमने, आप एलिवेशन में देख सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से हमने इसको डिजाइन किया है फर्स्ट फ्लोर प्लान को। अब हम चलते हैं दोस्तों सेकेंड फ्लोर प्लान पर। तो सेकेंड फ्लोर पर आते हैं तो ये दोस्तों हमारा यहाँ से हमारा जीना डाउन जा रहा है, अप नहीं जा रहा है। तो दो बेडरूम हमने यहाँ डिजाइन कर रखे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे 5 बेडरूम हो जाते हैं और दोस्तों एक टॉयलेट हमारी यहाँ पर है। तो इस तरीके से हमारी ये टॉयलेट भी 4 हो जाती है। एक टॉयलेट हमने ग्राउंड फ्लोर पर दे रखी है, दो टॉयलेट दोस्तों हमने फर्स्ट फ्लोर पर और एक टॉयलेट हमारी सेकेंड फ्लोर पर। इस तरीके से हमारी 4 टॉयलेट हो जाती है इसमें। और दोस्तों लिफ्ट से भी हम सेकेंड फ्लोर पर आ सकते हैं। दोस्तों ये हमारा बेडरूम है, ये हमने बेडरूम बना रखा है जो कि 16 फीट ऐसे है और 14 फीट 3 इंच है। और इसका वेंटिलेशन दोस्तों हमने बाहर की तरफ रखा है और ये विंडो भी वो डोर लगा रखा है जो कि टेरेस पर आ रहा है। और दोस्तों ये दो विंडो लगा रखी हैं, आप एलिवेशन में देख सकते हैं। और साइड में हमने एक विंडो भी दे रखी है और ये बेड डाल रखा है और ये साइड चेयर डली हुई है दोस्तों और ये सामने टीवी भी डली हुई है। और दोस्तों ये हमारा वार्डरोब बनी हुई है। तो इसी तरीके से जैसे नीचे बेडरूम था, इसी तरीके से हमने भी ऊपर दिया है और इसमें एक ही टॉयलेट रहेगा जो कि दोनों बेडरूम वाले यूज करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इसको डिजाइन किया है, आपको एक बार एलिवेशन भी दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने इसको एलिवेशन को डिजाइन किया। दोस्तों ये 200 गज का प्लॉट है जो कि काफ़ी अच्छा हमने ओपन स्पेस भी छोड़ के हमने काफ़ी अच्छा डिजाइन कर दिया है। 5 बेडरूम के साथ काफ़ी अच्छा डिजाइन किया है दोस्तों। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लंबा हो गया है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच जाए। और इसी तरीके की आपको हमारे चैनल पर अच्छे अच्छे प्लान मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।